नमस्कार, मैं पंडित चंदन शांडिल गुरु राशि परिवर्तन विशेषांक सीरीज के इस नए अंक में एक बार पुनः स्वागत करते हैं। प्रिय दर्शकों, कुंडली दर्शन के राशि परिवर्तन विशेषांक सीरीज में पिछले 10 वीडियोज के माध्यम से आप सभी दर्शकों ने देख लिया कि गुरु के राशि परिवर्तन से मेष राशि या मेष लगन से लेकर मकर राशि या मकर लगन वालों के जीवन में क्या कुछ अच्छा या बुरा प्रभाव होने वाला है। और आज कुंडली दर्शन के इस अंक में बात करने वाले हैं कि देव गुरु बृहस्पति का मेष राशि में गोचर करने से कुंभ राशि या कुंभ लगन के जातकों पर, उनके जीवन के सभी क्षेत्रों पर क्या कुछ असर देखने को मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 22 अप्रैल 2023 से देव गुरु बृहस्पति अपनी मीन राशि छोड़कर सुबह 5:14 पर मेष राशि में गोचर करेंगे और यह गोचर इनका 1 मई 2024 तक चलता रहेगा इसी राशि। जब वो गोचर करेंगे, हालांकि तब वो अस्त अवस्था में गोचर करेंगे, किंतु 6 दिन बाद ही 28 तारीख को ही मेष राशि में ही वो उदित भी हो जाएंगे, उदय हो जाएंगे, तो अस्त का बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला है। 4 सितंबर को मेष राशि में ही देव गुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, अर्थात की विपरीत चाल चलेंगे, एवं 30 दिसंबर 2023 को ही देव गुरु बृहस्पति पुनः मेष राशि में ही मार्गी हो जाएंगे, अर्थात की सीधी चाल पुनः चलेंगे। खैर, उस पर एक अलग वीडियो आपको बाद में देंगे अगस्त के आसपास, किंतु आज बात कर रहे हैं लगभग एक वर्ष कुंभ राशि या कुंभ लगन के जातकों पर क्या कुछ असर, चाहे वो फाइनेंस के सेक्टर में हो, धन संपत्ति, मकान, वाहन, संतान, दाम्पत्य जीवन, कार्य क्षेत्र, भाग्य कितना साथ देगा, इन सभी बातों पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आपके जीवन में इन सब क्षेत्रों में क्या कुछ असर होगा, विस्तार से इस अंक में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता भी है, मैंने कई बार बताया भी है कि ज्योतिष शास्त्र में देव गुरु बृहस्पति को धन का कारक, धर्म का कारक, ज्ञान का कारक, शिक्षा का कारक, संतान का कारक, वैवाहिक जीवन का कारक, स्त्रियों के लिए पति का कारक, आपके पद प्रभाव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सभी के कारक, बल्कि आप यूं बोल सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्रों में सबसे अधिक चीजों पर अधिपत्य देव गुरु बृहस्पति का है। यदि कुंडली में बृहस्पति सुधर जाए तो समझ लें कि आपकी आधी से ज्यादा समस्या यूं ही पल भर में खत्म हो जाएगी, और यदि बृहस्पति ही हो खराब तो जीवन भर आप हो जाएंगी परेशान। तो ऐसे में चूंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह, सिर्फ ज्ञान में ही नहीं आकृति में भी वो देख रहे हैं, जो बड़ा सा ग्रह चक्कर काट रहा है उसके बीच में देखिए छोटे ग्रह बिल्कुल बौने नजर आते हैं उसके सामने, तो वो आकृति में भी बड़े और इतने लंबे समय के लिए मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके राशि के लिए देव गुरु बृहस्पति बनते कहां के स्वामी हैं, तो धन भाव, द्वितीय भाव एवं एकादश भाव, इच्छा पूर्ति का भाव या लाभ का भाव, पैसा आएगा या नहीं आएगा इसका विचार कुंडली के एकादश भाव से किया जाता है, और पैसा जमा होगा कि नहीं होगा, संचित धन मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका विचार कुंडली के द्वितीय भाव से किया जाता है, अर्थात कि दोनों जगह धन कॉमन है, यानी सबसे बड़ा आपके लिए धन संपत्ति पैसे का कारक
आपके राशि या लग्न के लिए देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और अब वो गोचर करेंगे आपके राशि या लग्न से तृतीय भाव और एक बात और जान लें कि तृतीय भाव में ही अर्थात कि मेष राशि में ही पहले से ही राहु भी गोचर कर रहे हैं। ऐसे में राहु और गुरु की युति होगी तो आपके ऊपर या बोल सकते हैं सभी के ऊपर राहु और गुरु की युति होने के वजह से गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो जाता है तो उसके कुछ अशुभ प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। 30 अक्टूबर को राहु जब निकल जाएंगे तब देव गुरु बृहस्पति अपना सभी संपूर्ण प्रभाव दे पाएंगे चाहे वो शुभ हो या अशुभ, खास करके शुभ प्रभाव। अशुभ प्रभाव तो वैसे भी राहु देने का चेष्टा करता है, किंतु चलिए अभी बात कर रहे हैं कुंभ राशि पर या कुंभ लगन पर। अब तृतीय भाव में यदि बृहस्पति बैठ रहे हैं तो आप समझ लें कि आप अगर आपके अंदर पहले अगर किसी भी कार्य को करने में आलस्य होता था, उत्साह में कमी थी, ऊर्जा में कमी थी, सकारात्मक सोच में कमी थी, वो सब अब दूर हो जाएगा। अब आप जोशीले फुर्तीले बिल्कुल कोई भी काम बहुत चुस्ती के साथ करेंगे, आपके अंदर एक अलग प्रकार की उत्साह उमंग की धारा प्रवाह आपके शरीर के कण कण में दौड़ जाएगी, पराक्रम और वीरता भी बढ़ने वाली। किंतु राहु साथ है, उतावला अधिक होने की आवश्यकता नहीं, जल्दबाजी में कोई ऐसा कार्य ना कर दे। आत्मविश्वास होना अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं, तो अति आत्मविश्वास के चलते कोई भी ऐसा कदम ना उठाए कि इतना अच्छा बेहतर मौका आपके हाथ से निकल जाए। बहुत शुभ परिणाम कुंभ राशि या कुंभ लग्न के जातकों को मिलने वाला है, खास करके आर्थिक स्थिति में। अब आप समझ लें कि पहले तो आपको लाभ मिल ही रहा था, अभी भी लाभ मिलेगा। कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं नहीं पंडित जी, अब तो धन भाव से निकल के वो तृतीय भाव में जा रहे हैं तो अब कहां से वो लाभ देगा। स्वामी तो वो धन के हैं और तृतीय में भी गए हैं तो द्वितीय से द्वितीय तृतीय भाव होता है, इस बात को याद रखें। भाव भावम सिद्धांत प्लस तृतीय भाव में जब बृहस्पति बैठेंगे तो वो अपने पंचम दृष्टि से आपके जन्म कुंडली की राशि मकर राशि या मकर लगन से सातवें भाव को पंचम दृष्टि से देखेंगे। इसके अलावा अपने सातवें दृष्टि से आपके भाग्य भाव अर्थात कि नवम भाव को देखेंगे और अपने नवम दृष्टि से आपके लाभ के भाव एकादश भाव जो उनकी खुद की राशि है उसे भी देखेंगे। ऐसे में आप समझ लें कि अब आपको मित्रों भाई बहनों का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई छोटी मोटी लाभदायक यात्रा भी हो सकती है, कहीं नौकरी में स्थान परिवर्तन मन पसंद जगह पे हो सकता है, घूमना फिरना अच्छे अच्छे जगहों पे हो सकता है। किंतु जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं उन्हें संतान सुख मिलेगा, जो लोग प्यार में पहले कमी हो रहे थे उन्हें अब मन मुटाव दूर हो सकता है, आप दोनों के बीच में प्यार में नजदीकियां बढ़ सकती हैं, अविवाहित जातकों को विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं एवं जो विवाहित जातक हैं उन्हें दाम्पत्य जीवन में यदि पहले कोई परेशानी थी अब आपके रिश्तों में भी मधुरता का एहसास होगा। व्यापारी वर्गों की बात करें तो अब आप अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें सिर्फ कामयाब नहीं होंगे बल्कि अच्छा धन लाभ भी करेंगे। अच्छे बड़ी बड़ी कंपनियों से आपको संपर्क हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ऑर्डर भी आपको मिल सकता है, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क होने के योग बन रहे हैं, यहां तक कि उच्च जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें भी अपने सीनियर अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे होंगे, वो आपके कार्यों की प्रशंसा कर सकते हैं।
अगर आप वेतन वृद्धि के लिए या प्रमोशन के लिए पहले से प्रयासरत हैं तो अब पदोन्नति के भी चांसेस बन रहे हैं, यहां तक कि मन पसंद जगह स्थान परिवर्तन भी करवा सकता है, एक से अधिक मार्गों से भी धन लाभ धनार्जन करवा सकता है, बड़े भाई वगैरह का भी साथ मिल सकता है। सरकारी नौकरी के लिए जो लोग प्रयासरत हैं या सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या राजनीति के क्षेत्र से कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अब बहुत ही उत्तम परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर धर्म के प्रति भी अब रुचि बढ़ेगी क्योंकि भाग्य भाव पे भी दृष्टि जा रही, तो ऐसे में धर्म अर्थात कि कहीं मंदिर जाना, देवालय जाना या किसी तीर्थ स्थान पे यात्रा करना, गरीबों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ब्राह्मणों को दान देना, जन कल्याण कार्य करना, ये सब अभिरुचि अपने आप आपके मन में जगेगी और इन सब कार्यों का लाभ आपको कई गुना अधिक मिलेगा। आत्मिक संतुष्टि मिलेगी, सकारात्मक सोच रहेगा, हर कार्य में भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के साथ आपके पहले कोई मतभेद थे तो वो भी अब ठीक हो जाएंगे, पिता के स्वास्थ्य में भी अगर कोई कमी थी तो वो भी अब सुधर जाएगा, पिता के सहयोग से भी कोई कार्य आपका बन सकता है, हो सकता है कार्य व्यापार में धन का भी सपोर्ट आपके घर परिवार से आपको प्राप्त हो जाए। बहुत ही सुंदर गोचर, इस गोचर काल में समझ लें कि वृद्धि का ये गोचर लेकर आया है आपके लिए। 30 अक्टूबर तक लेकिन आपको थोड़ा सावधान भी रहना, किसी भी कार्य को करते हैं तो जल्दबाजी में नहीं, विवेकपूर्ण फैसले से, शांत चित्त होकर रहना। अच्छा समय आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मर्जी वैसे करें, डिसिप्लिन फिर भी आपको फॉलो करना है, नियम के अनुसार बंधे रहना, तभी आप और अच्छा लाभ उठा पाएंगे। यह बृहस्पति का गोचर आपको बस समझने देने ही आया है, आप कितना इस गोचर काल में ले पाते हैं यह आपके प्रतिभा और परिश्रम पर और आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। आप जितना मधुर रहेंगे, जितना सौम्य रहेंगे, जितना विनम्र रहेंगे, उतना ही लाभ भी और अच्छे संपर्क भी जुड़ेंगे। इस गोचर काल का कुल मिलाकर विशेष क्या बोले, लगभग अच्छा है, बस समझ ले 30 अक्टूबर तक राहु कुछ कुछ बातों में परेशानी डाल सकता है क्योंकि गुरु राहु का चंडाल दोष बन रहा है। तो ऐसे में देखो, देव गुरु बृहस्पति के लिए तो आपको पीले चीजों का फिर भी दान करना, केसर का तिलक लगाना, केले के पौधे में जल अर्पित करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, गुरु के बीज मंत्र का जाप करना, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इसके अलावा ब्राह्मणों को बृहस्पतिवार के दिन अपने इच्छानुसार जो मन में इच्छा हो उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट कर दें या दान कर दें। इसके अलावा गौ माता की सेवा कर सकते हैं, तो वही उपाय है, बृहस्पति का कोई अलग से उपाय नहीं। लेकिन राहु का यदि आप उपाय चाहते हैं तो यूट्यूब पर कुंडली दर्शन चैनल पर अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर आई बटन में लगा देंगे राहु के चमत्कारी 15 घरेलू उपाय, राहु के उपाय, और डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे देंगे। यदि आपको इस कार्यक्रम में कुछ भी पूछना हो इस कार्यक्रम को लेकर, या आपके मन में कोई भी सवाल ज्योतिष से संबंधित, कुंडली से संबंधित, तो आप इसी चैनल पर रात में 8 बजे YouTube पर, ध्यान रहे YouTube पर कुंडली दर्शन चैनल पर एक कार्यक्रम आता है जिसका नाम है कुंडली दर्शन लाइव, जो कि जो रोज रात 8 बजे आते हैं और उसमें आपके एक सवाल का जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो आप YouTube पर लाइव में 8 बजे आकर पूछ सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए, विस्तार से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप करें, नंबर आपको सामने स्क्रीन पर लगातार स्क्रॉलिंग कर रही है, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अंक में कि देव गुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन से मीन राशि या मीन लगन वालों पर क्या कुछ असर होगा।
तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।